कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल जी के सपने देख रहे हैं कि हम दोबारा सरकार बना रहे हैं। आखिर वो क्या वजह रही जिसके कारण सतना विकास के मामले में पिछड़ गया? हमारी पार्टी ने कभी किसी से नहीं कहा कि आप इस्तीफा करो या हमने कोई ऐसा प्रलोभन नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सतना लोकसभा के 4 मर्तबे के सांसद गणेश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, आपकी सरकार एमपी में जा रही है कि बची रहेगी? हमारी सरकार आज भी बहुमत पर है और 10 तारीख के चुनाव के बाद भी और ज़्यादा मजबूत बहुमत के आधार पर रहने वाली है। कांग्रेस का काम मध्य प्रदेश से ख़त्म हो चुका है और इसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। प्रदेश की जनता ने ये मान लिया कि इन्होंने झूठे वायदे किए थे, इसीलिए इनकी सरकार गई। 15 महीने इनको काम करने का समय मिला था, वो कुछ काम कर नहीं पाए। 5 महीने में शिवराज जी ने जो काम करके दिखा दिया, तो प्रदेश की जनता को ये लग गया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री में कितना अंतर है, प्रदेश के विकास के लिए कौन कितना गंभीर है, ये लोगों को पता लगा। इसी वजह से इस चुनाव में जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं, 28 में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी? 28 हम जीत रहे। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा, इसीलिए उन्होंने दमोह के विधायक को अपने पार्टी में शामिल कराया। क्या है इसमें, क्या सच्चाई है? कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल जी के सपने देख रहे हैं कि हम दोबारा सरकार पर आ रहे हैं। इनके अंदर जितना भगदड़ मचा हुआ है वो नेतृत्व के असंतोष के कारण है। चाहे वो विधायक वहाँ के हों, लोधी जी का, इसके पहले जो विधायक आए 22, वो इसके अलावा 5-6 और आए, वो ये कांग्रेस के नेतृत्व की अकुशलता थी और इसी कांग्रेस में भगदड़ है। और मुझे लगता है कि कमलनाथ के नेतृत्व को कांग्रेस के विधायकों ने अस्वीकार कर दिया है। किसी भी उपचुनाव में मतदान के पहले किसी भी विधायक का इस्तीफा देना कितना उचित है आपके नज़रिए से? देखिए, उनको लगा कि कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं है और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारी पार्टी ने कभी किसी से नहीं कहा कि आप इस्तीफा करो या हमने कोई ऐसा प्रलोभन नहीं दिया। वो अपने स्वयं अपने प्रेरणा पर भाजपा पर आए, तो भाजपा तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है, सबका स्वागत है। सांसद जी, आप पिछड़े वर्ग स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आपने देश भर में पिछड़ों के लिए क्या काम किया है? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होगी कि इतने वर्षों से पिछड़ा वर्ग आयोग बना, लेकिन उसको आज तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। वो हमने हमारे प्रयासों से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उसके बाद हमने जो क्रीमी लेयर थी, क्रीमी लेयर की जो सीमा रेखा थी वो 6 लाख थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख किया, जो भी इसके लिए बहुत बड़ा काम हुआ था। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, ये तीनों विद्यालयों में ओबीसी के बच्चों को आरक्षण नहीं था। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश पर हमारी केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दिया और इस वर्ष से हमने केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में एडमिशन का जो अधिकार पिछड़े वर्ग के नौजवानों को दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और अगले वर्ष से हमारा ऑर्डर हो चुका है, सैनिक विद्यालयों में होगा। अब तो जो पत्तल बनाना वाला है, पत्तल बनाने वाले का बेटा भी अब कर्नल बन सकता है मिलिट्री में। अब तो लोहे का काम और लकड़ी का काम करने वाले का बेटा भी और मछली का पालन करने वाला भी, उसका बेटा अब कर्नल और ब्रिगेडियर बन सकता है। वो अधिकार हमने अपने स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से ओबीसी के बच्चों को अपने केंद्र सरकार के सहयोग से कराने का काम किया, ऐतिहासिक काम है। क्योंकि आप सतना लोकसभा से बिलोंग करते हैं, किसी ज़माने में रीवा सतना से विकास में काफ़ी पीछे होता था, लेकिन आज सतना लोकसभा से रीवा लोकसभा विकास के मामले में काफ़ी आगे। आखिर वो क्या वजहें रहीं जिसके कारण सतना विकास के मामले में पिछड़ गया? मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि सतना किस में पीछे है? बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है आज वहाँ का मेडिकल, वहाँ 4-4 फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत सारे विकास ऐसे हैं जो हमारे रीवा में, अगर ये बताओ विकास का मापदंड अगर फ्लाईओवर है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। रीवा हमारा संभाग मुख्यालय है, पहले से मेडिकल कॉलेज था,
पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज था, पहले से विश्वविद्यालय था, लेकिन सतना में अभी मेडिकल कॉलेज हम भी ला लिए। सतना जिले में हमारे दो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट से ही। एक चित्रकूट का ग्रामोदय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ है, एक AKS विश्वविद्यालय है, फ्लाईओवर हमारा भी बन रहा है। और जितना हम देख रहे हैं सतना शहर की जो एंट्रेंस सड़कें हैं, आप आज देख लीजिए, हमारा स्मार्ट सिटी का काम जितना तेज़ गति से चल रहा है उसको पूरा होने दीजिए, हमारे बिंद क्षेत्र के सारे शहर हमारे से पीछे हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। जितना हमने सिंचाई का पानी अपने क्षेत्रों में दिया है, जितना हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, जितना हमने अपना हेल्थ का सिस्टम ठीक किया है, अभी कोरोना के समय पर हमने देखा है कि मेडिकल कॉलेज में जो भी पेशेंट गए थे वो सुरक्षित लौट के नहीं आए। लेकिन हमने अपने सतना में, सतना जिला अस्पताल में जाके देख लीजिए, हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं नई नई, और आज यहाँ पर बड़ी अच्छा हमारा सारा कुछ काम चल रहा है। हमारा जितना रेलवे का विकास हमने किया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पर्यटन के दृष्टि जो काम हमने किया, मुकुंदपुर का व्हाइट टाइगर सफारी हमारी बनाई, हमने चित्रकूट को, मैहर को किस तरह डेवलप किया वो आप देख लें, चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्गों को हमने जाल बिछाया है, गांव-गांव में कंक्रीट सड़कें बनाई हैं, ये विकास नहीं है क्या? क्या सिर्फ फ्लाईओवर नहीं बना तो क्या इस वजह से विकास इतना पीछे हो गया? नहीं, एक्चुअल में क्या है सर, रीवा जो है विकास के मामले में, वहाँ कोई भी काम अभी तक सतना का बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी वर्षों से यहाँ बन रहा है, अभी नर्मदा का पानी यहाँ सतना तक नहीं पहुँच पाया है, कई वर्षों से काम चल रहा है। आखिर कहाँ कमजोरी आ रही है कि यहाँ के डेवलपमेंट का जो क्रियान्वयन है वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है? मैं बार बार आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रीवा की डेवलपमेंट की बात आप जो कर रहे हो, जो शहर में कुछ अच्छे चौराहे दिख रहे होंगे, कुछ बिल्डिंग्स अच्छी दिख रही होंगी, तो वो सब रीडेंटिफिकेशन का परिणाम है। वहाँ पर जो जिसको काम मिला है, वो जो काम वहाँ कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन वो रीडेंटिफिकेशन का परिणाम है, और सरकारी ज़मीन उनको व्यापारिक रूप से दे करके उनसे जो पैसा मिला वो काम हुआ। हमने भी अपने यहाँ प्रयास किया, लेकिन हमारा वो प्रयास थोड़ा सा पीछे चला गया, और इस वजह से रीडेंटिफिकेशन में हम वो काम नहीं कर पाए। जहाँ तक प्रश्न है बरगी बांध का, बरगी की नहर का, बरगी की नहर का जो निर्णय है वो मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया था उस समय पर, वो टनल बनाने का निर्णय था। मुझे लगता है वो इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं कुछ उसमें त्रुटि रह गई थी, वो डेटा उसका ठीक से देखा नहीं उन्होंने, और वो जो मशीन काम कर रही है वो उसको बहुत कठिनाई हो रही है, और इसी वजह से वो काम अभी तक अधूरा है। लेकिन उसका वैकल्पिक इंतजाम हम लोगों ने खोज लिया है, और हमने अपने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि सेस टनल का काम ओपन कास्ट कर दिया जाए और दूसरे छोर पर पानी लिफ्ट करके निकाल दिया जाए, तो समय पर हम अपने ज़िले के किसानों को पानी दे सकते हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की सहमति हो चुकी है, हम अपने ज़िले के सारे विधायकों को लेकर के गए थे, उनसे पूरी बातचीत हुई है, और मुझे लगता है कि वो हमारी बात उन्होंने मान लिया है, अब हो भी जाएगा। फिर जहाँ तक प्रश्न आपने सतना और रीवा के बाईपास सड़क का है, ये निश्चित तौर पर ये ठेकेदारों की त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने 4 महीने के भीतर भीतर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। मार्च 2021 को ये सड़क आपको हम दौड़ते हुए देखेंगे। एक आखिरी सवाल, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब तक शामिल होने वाले हैं? क्योंकि आप 4 बार से सांसद हैं, यहाँ की जनता भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि हमारे सांसद मंत्रालय में कब पहुँचेंगे, कब मंत्री बनने वाले। ये विषय मेरा नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, वो किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते। क्षेत्र की जनता का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सांसद गणेश सिंह जी। ये थे सांसद गणेश सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी जो भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है वो मनगढ़ंत है। MP के उपचुनाव पर बीजेपी एक बार फिर 28 में से 28 सीटें लेकर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना है, फिर हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।